और हरियाणा के रोहतक में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। और अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जोधपुर अतिरिक्त कलेक्टर प्रियंका विश्नोई का शव अहमदाबाद से जोधपुर एम्स पहुंचा। 5 सितंबर को जोधपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान वो कोमा में चली गई थी। 10 दिन तक अहमदाबाद में उनका इलाज चला और देर रात मौत हो गई। आज जोधपुर एम्स में शव का पोस्टमार्टम हुआ। समाज के लोग एम्स अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे। वे जोधपुर के अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं जोधपुर जिला कलेक्टर ने 4 दिन पूर्व एक मेडिकल टीम गठित कर जांच करने के आदेश दिए थे। प्रियंका बिश्नोई आरएस अधिकारी, जिन्होंने मामूली तकलीफ होने की वजह से वसुंधरा हॉस्पिटल में आज से 15 दिन पहले जाके बताया था कि मेरे ये तकलीफ है, तो डॉक्टरों ने कोई भी प्रारंभिक जांच किए बगैर उनको कहा कि एक दिन का समय है, वन डे ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बाद सेम डे छुट्टी हो जाएगी और उनको ओपीडी ऑपरेशन थिएटर ले गए, ऑपरेशन कर दिया। उनके बाद उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो परिवारजनों को पता चला। परिवारजन हॉस्पिटल जाके उन्होंने पूछा कि क्या बीमारी हुई और किस वजह से आप लोगों ने ऑपरेशन किया, तो डॉक्टर कोई जवाब नहीं दे पाए। और जब उन्होंने कहा कि आपसे ठीक नहीं हो रहा है तो छुट्टी दो, हम दूसरी जगह ले जाएंगे, लेकिन 48 घंटे तक छुट्टी नहीं दी और कहा कि नहीं हम होश में ले आएंगे, होश में ले आएंगे। उसके बावजूद हमने यहाँ से छुट्टी लेके और अहमदाबाद ले गए। अहमदाबाद में उनका 10 दिन से इलाज चल रहा था, कल इनका इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। आज हम लोग यहाँ एम्स में लाए उनका पोस्टमार्टम कराना, और यहाँ पे जो पुलिस में है अस्पताल सल प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं कि एफआईआर में ये लिखा है कि भाई अस्पताल प्रशासन की वजह से प्रियंका जी की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जगदीश लोहार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जगदीश, प्रियंका विश्नोई का निधन हो गया है। 20 दिन तक उन्होंने जिंदगी से जंग लड़ी और उसके बाद वो इस जिंदगी की जंग से हार गई और कल देर रात उनका निधन हो गया है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया करवाई जा चुकी है। लोग भी मोर्चरी के आगे जो है धरने पर बैठे हुए हैं। अभी का क्या कुछ अपडेट है, समझाइश उनसे की जा रही है, कुछ परिणाम निकल कर आया है? श्रोता, बताना चाहूंगा, अतिरिक्त कलेक्टर प्रियंका विश्नोई की जो मौत का जो मामला है अब गर्माता नजर आ रहा है और जो विश्नोई समाज के लोग है उधर होने नजर आ रहे हैं, उच्च प्रदर्शन की ओर दौड़ रहे हैं। उनका कहना है कि जो अस्पताल प्रशासन है वो उनकी लापरवाही और डॉक्टरों की लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ है, जिसके चलते एक जो होनहार और नेक और निर्भीक जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर थी उसकी जान चली गई है और जो लापरवाह डॉक्टर है, जो लापरवाही जब बढ़ती गई है, उन डॉक्टरों के खिलाफ और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ, अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की जाए और मुकदमा दर्ज किया जाए और जो पूरे मामले में जो दोषी है उनको सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की कर उनको सजा दी जाए। और इसके चलते कह सकते हैं कि प्रियंका ने 15 दिन तक लगातार जंग लड़ी है अपने जीवन को बचाने, लेकिन उसके बावजूद उसके जो जो जानकारी जो अभी मिल पाई है उसको ज्यादा जो बेहोशी की जो दवा है, सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि जो बेहोशी की दवा अधिक मात्रा में दी जाने की वजह से वो कोमा में चली गई, लेकिन अभी तक ये जांच का विषय, जांच के बाद ही पता चलता है कि उसकी मौत का कारण क्या रहा है, किस वजह से ये हादसा हुआ है। हालांकि ये कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं था, छोटा मोटा ऑपरेशन था जिसमें छोटी सी ऑपरेशन की एक प्रक्रिया होती है उसमें उसका इलाज किया जा सकता था, लेकिन क्या लापरवाही थी, किस कारणवश ये हादसा हुआ, ये एक जांच का विषय है, जांच की जानी चाहिए। और मुकदमे को लेकर जो विश्व समाज के लोग है, जो गणमान्य लोग है, समाज सेवी लोग है, वो धरने पर बैठ गए और निश्चित तौर पर वो मांग कर रहे हैं, जब तक उनकी ये मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वो प्रदर्शन करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल पुलिस द्वारा उनको समझाइश की जा रही है और उनको समझाई जा रहा है, पोस्टमार्टम हो चुका है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद में ही पता चल पाया कि इसके मुख्य कारण क्या रहा है, इसकी मौत का और किस कारणवश ये इतनी बड़ी घटना घटी है। जी प्रिय, जी जगदीश, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।